रूस के कजान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, दोपहर 3:30 बजे पुतिन से मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री मोदी की कजान में पीएम मोदी और पुतिन की बैठक होने वाली है। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रशिया में कजान पहुंचे पीएम मोदी, दोपहर 3:30 बजे पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की होगी मुलाकात। कजान में पीएम मोदी और पुतिन की बैठक होगी। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी लेने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है, रशिया के कजान प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने, दोपहर 3:30 बजे पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। कजान में पीएम मोदी और पुतिन की बैठक होने वाली है ब्रिक्स सम्मेलन में। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेने वाले हैं और यहाँ पर पहुंचे हैं। रशिया के कजान पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के साथ। दोस्ती प्रधानमंत्री मोदी की किसी से छिपी नहीं है और युद्ध में भी एक सेंटर पॉइंट की तरह प्रधानमंत्री मोदी को देखा जा रहा है। ऐसे में युद्ध को रोका जा सके या फिर युद्ध में क्या बदलाव होने चाहिए, इस क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री मोदी की राय बेहद जरूरी पुतिन के लिए भी रही है। अब इसी सिलसिले में आज ये मुलाकात होने वाली है। इसके साथ ही व्यापारिक संबंध को लेकर के भी चर्चा इस मीटिंग में होने वाला है। दोपहर 3:30 बजे पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होने वाली है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस समय रशिया के कजान पहुंचे हैं। दोपहर 3:30 बजे पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की होगी मुलाकात। कजान में पीएम मोदी और पुतिन की बैठक होने वाली है। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रशिया के कजान इस समय प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रशिया पहुंचे हैं। कजान में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। दोपहर 3:30 बजे पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात कजान में होने वाली है। उसके बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो मीटिंग है उसका दौर शुरू हो जाएगा और इसी में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस समय कजान पहुंचे हैं। प्रिया सिन्हा मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। प्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मीटिंग होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की, क्योंकि जिस तरीके से लंबन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए हैं दोनों देशों को और युद्ध की परिस्थितियों को रोकने की कोशिश की गई है, इसके साथ ही रशिया के साथ जो हमारे व्यापारिक संबंध है वो भी बहुत प्रगाढ़ है, तो ये जो मीटिंग होनी है उसमें किस तरीके की चर्चाएं होंगी, क्या जानकारी आपके पास? बहुत महत्वपूर्ण है शिखा, क्योंकि रूस उन देशों से है जहां पर भारत के रिश्ते रूस के साथ और इन कंट्रीज़ के साथ बहुत मजबूत हो जाते हैं। आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि मोदी 3.0 में पहला जो आधिकारिक यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वो रशिया का किया था, और उसके बाद जुलाई के महीने में यात्रा हुई थी और फिर 4 से 5 महीने के बाद एक बार फिर से वो रशिया जाते हैं। हालांकि इस बार मौका अलग है, वो वहाँ पर ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन है। अब देखिए, दिलचस्प ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि कजान पहुँच चुके हैं, अब से 2 घंटे के बाद कहा जा रहा है कि वहाँ पर पुतिन से बात करेंगे। कई सारे ऐसे विषय हैं जिसमें ऊर्जा से लेकर के रक्षा समझौते से लेकर के व्यापार को लेकर के भी चर्चा होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब हम ब्रिक्स समिट की बात करते हैं तो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हालात बने हुए हैं, उन स्थानीय तमाम ऐसे मुद्दे हैं तमाम देशों के भीतर, उसको लेकर के यहाँ पर बातचीत संभव है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि जब ब्रिक्स का गठन हुआ था तो ये तमाम जो कंट्रीज हैं, चाहे वो ब्राज़ील हो, रशिया हो, इंडिया हो, चाइना हो, साउथ अफ्रीका हो, इनका मकसद ये था कि जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, किस तरीके से जो IMF और वर्ल्ड बैंक का जो दबदबा है उसका एक कम से कम एक पैरेलल एक ऐसी जो व्यवस्था है, जो विकल्प है, उसको तैयार किया जा सके, और इसी को लेकर के इसका गठन हुआ था। उसके बाद साल दर साल हमने देखा कि किस तरीके से एक मजबूती के तौर पर ये उभरा है। अब इसकी उम्मीदें देखें, इस पूरे ब्रिक्स से लेकर के पूरी दुनिया को उम्मीद है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर रूस के जो विदेश मंत्री हैं लावरोव, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि एशिया के जो देश हैं वो दुनिया की ताकत बनकर के उभरे हैं। उनका जो स्टेटमेंट है वो बहुत कुछ बताता है। ये बताता है कि किस तरीके से जो एशियन कंट्रीज हैं उनकी मजबूती काफी ज्यादा बढ़ी है।
इससे पहले पुतिन की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें G7 से ज़्यादा ताकतवर ब्रिक्स को बनाना है। देखिए ये भी बड़ा अहम है क्योंकि हाल के वक्त में ब्रिक्स की जो मजबूती है वो कई ज़्यादा बढ़ी है, खासतौर पर इसमें जो देश हैं और इसमें अलग अलग विषय हो सकता है। देखिए सबसे दिलचस्प ये है क्योंकि कहा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री वहाँ पर मौजूद हैं तो हो सकता है शी जिनपिंग से भी मुलाकात हो। अब शी जिनपिंग से मुलाकात इस लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि बीते रोज़ वो खबर सामने आई थी जब हमने देखा कि LAC पर दोनों सेना डिसएंगेजमेंट को लेकर के यहाँ पर फैसला हुआ। अब इस पूरे सिनेरियो में जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं तो खबर यह है कि हो सकता है कि 2 साल के बाद यहां पर मुलाकात भी शी जिनपिंग से हो, लेकिन सबकी निगाह रहेगी कि आखिरकार क्या कुछ यहां पर चर्चा होती है, किन विषयों पर यहां पर सहमति बनती है। एक पहलू यह भी निकल करके सामने आ रहा है कि डॉलर को लेकर के कोई फैसला हो सकता है, कॉमन करेंसी को लेकर के फैसला हो सकता है क्योंकि इसमें जितनी भी कंट्रीज हैं हो सकता है कि व्यापार को लेकर के डॉलर पर जो निर्भरता है, जो डिपेंडेंसी है, उसको कम किया जा सके, दूसरी जो करेंसीज है उनको आगे किया जा सकता है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैसला होगा इस पूरे ब्रिक्स समिट से लेकर के। इसके अलावा जो बाकी के देश है, चाहे उसमें आप देखें जो पार्टनर कंट्रीज है, क्योंकि कई सारे ऐसे मित्र देश हैं जो कि इसका हिस्सा बने, जिसमें UAE शामिल है, जिसमें मिस्र शामिल है, जिसमें यूथोपिया है, ईरान है। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से इस वक्त हालात बने, गतिरोध लगातार देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री एक एक करके तमाम राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे तो एक बड़ी रणनीति बन सकती है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है प्रिया कि चाइना में जिस तरीके का चाइना के ऊपर पीयर प्रेशर बनाया जा रहा है और चाइना अपनी नीतियों को लेकर के ना केवल भारत के लिए बल्कि इस समय अमेरिका के लिए भी टेंशन की एक बहुत बड़ी वजह है। जैसे वो पाकिस्तान और हमारे से जुड़े जो पड़ोसी देश हैं उनको टारगेट कर रहा है और उनको कर्ज के बोझ पे डाल करके वो इंडिया को हिट करना चाहता है। तो संभावना ये भी है कि इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, क्योंकि उससे पहले हमने देखा जो गतिरोध उत्पन्न हुआ है LAC पर, उसको रोकने की कोशिश की गई है, दोनों ही तरफ से सैनिक पीछे हट रहे हैं, तो चाइना की तरफ से और चाइना के ऊपर पीयर प्रेशर बना करके ब्रिक्स समिट में ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है और इसके संकेत पहले ही मिल चुके हैं। बिल्कुल, ये संभव भी है शिखा, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर लोगों से मुलाकात भी हो रही है। भारत वंशियों में देखें किस तरीके से उत्साह है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा वो बहुत अहम है। देखिए चीन की जो चालबाजियाँ हैं उससे हर कोई वाकिफ है कि किस तरीके से चीन अपनी जो विस्तारवादी नीति है उसको लेकर के आगे बढ़ता है, और समय समय पर भारत ने भी इसको लेकर के कड़ा रुख अख्तियार किया है। प्रधानमंत्री भी कुछ इस बात का जिक्र करते हैं यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भारत की पोजिशन को आप समझिए, भारत की पोजीशनिंग किस तरीके से बीते 10 सालों में बदली है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने के बाद भारत में जो बदलाव हुआ और जो क्रांति आई है, एक तरीके से कह सकते हैं, जब भी हम AI का जिक्र करते हैं, इसके साथ ही जब हम इकोनॉमी का जिक्र करते हैं, तो आज देश चाहे कोई भी हो भारत की तरफ उसका रुख है। इस समय ये सीधी तस्वीरें मिल रही है कजान से, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, उनकी यात्रा कजान में पूरी हो रही है और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस समय रशिया के कजान पहुंचे हुए हैं। 3:30 बजे पुतिन से उनकी मुलाकात होने वाली है। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेने के लिए इस समय रशिया के कजान पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर स्वागत किया गया है और दोपहर 3:30 बजे जब मीटिंग होगी तो युद्ध को लेकर के चर्चाएं होंगी, जाहिर है, क्योंकि पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे दोस्त भी हैं और हमने देखा है कि एक मीडिएटर की भूमिका निभाते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए हैं। इसके साथ ही व्यापारिक संबंध में कैसे बदलाव हो, क्योंकि एक प्रेशर भारत के ऊपर भी था और ये प्रेशर था कि रशिया से तेल की खरीद ना हो, जो रशिया है उसके साथ हमारे व्यापारिक संबंध बंद किए जाएं, क्योंकि युद्ध की स्थिति अभी भी वहां पर बनी हुई है और कहा जा रहा है कि पुतिन की तरफ से इनिशिएट किया गया है। लेकिन बावजूद इसके भारत की तरफ से सीधा रवैया रहा, दो टूक जवाब दिया गया कि हम व्यापारिक संबंध निभा रहे हैं और हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यानी रशिया को लेकर के भारत का जो स्टैंड है वो काफी ज्यादा क्लियर है और यही वजह है कि कजान की यात्रा करते ही सबसे पहले पुतिन प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। प्रिया, और ये देखिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, और आपने जिस बात का जिक्र किया कि बॉन्डिंग हमने समय समय पर देखी है, भारत जो कि अपने स्टैंड को पुरजोर तरीके से रखता है, भारत जो कि बताता है कि हम पर कोई तरह का कोई दबाव काम नहीं आएगा, भारत आपने बताया कि किस तरीके से जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस पर पाबंदियाँ लगाई गई उसके बावजूद भारत ने व्यापार जारी रखा, तो ये भारत की जो रणनीति है, भारत की जो विचार है वो समय समय पर दुनिया ने देखा, और इसी वजह से कहा जाता है कि भारत अपने स्टैंड पर कायम रखता है। और आज जो प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं तो जाहिर है कि कई विषयों को लेकर के यहां पर चर्चा होगी। अब सबसे अहम है क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो वेस्ट वर्सेज रेस्ट, और यकीन मानिए शिखा कि अमेरिका की भी निगाह इस पर होगी क्योंकि ब्रिक्स में आप देखिए कि जब इसकी शुरुआत हुई थी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल होता है, लेकिन कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि अभी भी ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब देखिए दिलचस्प है कि 38 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो कि इस वक्त कजान में मौजूद हैं और ये जो दो दिवसीय समिट है उसमें हिस्सा लेंगे। अब इनमें से कई देश ऐसे हैं जो कि अमेरिका की नीतियों से बड़े परेशान हैं। उनका कहना है कि व्यापार को लेकर के अमेरिका अपने नियम चलाता है, वो कभी भी किसी देश पर कोई पाबंदी लगा देगा, इसी वजह से वो बेहतर विकल्प तलाश रहे। जाहिर है कि ब्रिक्स उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जितने भी देश मौजूद हैं, आप ईरान में देख लीजिए ना, मिडिल ईस्ट में जो गतिरोध बना हुआ है ईरान वर्सेज इसराइल, इसके अलावा रूस और यूक्रेन में जो तनाव की स्थिति है। अच्छा देखिए, भारत तो चलना जानता है कि कैसे आप दोनों पक्षों को एक साथ लेकर के चलेंगे। मोदी 3.0 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रूस की दौरा यात्रा करी तो उसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टिप्पणी की, लेकिन उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन भी पहुँचते और वहाँ पर भी उन्होंने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी और ये उस वक्त की तस्वीरें भी लगातार शिखा हम दिखा रहे अपने दर्शकों को। और देखिए कितना अहम है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में जाते हैं वहाँ पर वो पुतिन से मिलते हैं और उसके बाद यूक्रेन भी जाते हैं, वो संदेश देते हैं कि भारत हर किसी को साथ लेकर के चलता है और वो ये भी बताते हैं कि ये जो युग है वो युद्ध का नहीं। और वैसे भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये तो बुद्ध का देश है, भारत कभी युद्ध का पक्षधर नहीं हो सकता। और ये तस्वीरें मुझे लगता है शिखा बड़ी दिलचस्प है, जो बहुत बेहद दिलचस्प तस्वीरें हैं। रशिया इस समय प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं कजान में, उनका भव्य स्वागत हुआ है और फिर उसके बाद आज मीटिंग होती है पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की। रशिया के कजान में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है, द्विपक्षीय बातचीत होगी और जाहिर है जब दो दोस्त मिलेंगे तो इन तमाम देश में और देश के जो हिस्सों में चल रहा है उसको लेकर के चर्चाएं होंगी। ब्रिक्स समेत जो ब्रिक्स के जितने भी कंट्रीज हैं वो मिलकर के यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और जब ये शिखर सम्मेलन होता है तो कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर चर्चा होती है और इस बार व्यापार सबसे मुख्य केंद्र में रहने वाला है। इसके साथ ही युद्ध की स्थिति, परिस्थिति जो बनी हुई है क्योंकि कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन सकती है, ऐसे में कैसे इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश हो, यही ब्रिक्स में इस बार चर्चा का विषय है। वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, भारत की स्थिति बदल रही है और जैसा कि मैं और प्रिया भी अभी चर्चा कर रहे थे, बीते 10-15 सालों में भारत की पोजीशनिंग इस समय पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज दुनिया की नज़र भारत पर है, कभी भारत विदेशों की ओर देखता था लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में विकास हुआ है और इकोनॉमी के लिहाज से हम लगातार तेज़ी से ऊपर बढ़ रहे हैं। बढ़ते पायदान के साथ भारत की तरफ दुनिया की इस समय नज़र और ब्रिक्स समिट इस समय बेहद इम्पॉर्टेंट है। कई सारे मुद्दे हैं, व्यापार, इसके साथ ही करेंसी, क्योंकि डॉलर का महत्व हमेशा करेंसी के मामले में रहा है लेकिन अब जो बाकी कंट्रीज हैं वो मिल करके करेंसी के रंग रूप और रूपरेखा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पैसे में मजबूती यानी डॉलर्स की मजबूती भारत या फिर किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को आंकती है। ऐसे में उस मजबूती से हट करके काम कैसे किया जाए जिसमें रशिया की भागीदारी भी बहुत है और रशिया भी भारत का इसमें साथ दे रहा है। कजान में जो मुलाकात होने वाली है वो भी ज़रा आप सिलसिलेवार तरीके से देख लीजिए। 3:30 बजे पुतिन से मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी की। इस साल प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी यात्रा है। 22 से 24 अक्टूबर की दो दिवसीय रशिया यात्रा पर प्रधानमंत्री 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करते हुए आप प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ है। जो सदस्य हैं ब्रिक्स के उनके नेताओं के साथ चर्चा होगी। 32 देशों के प्रतिनिधि मंडल की भी भागीदारी ब्रिक्स शिखर समिट में है। इस साल प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी विदेश यात्रा है। 22 से 24 अक्टूबर यानी दो दिवसीय रूस यात्रा पर है पीएम। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। एयरपोर्ट से तस्वीरें भी मिल रही है। सदस्य देश के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक का कार्यक्रम होने वाला है। 24 देशों के नेता इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। प्रतिनिधिमंडल से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। कजान इस समय प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, जोरदार स्वागत एयरपोर्ट पर उनका हुआ है और 3:30 बजे पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होनी है। ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था 28.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। ईरानी, सऊदी अरब, यूएई के शामिल होने से तेल उत्पादन बढ़ा है, यानी ब्रिक्स के जरिए ये जो दुनिया है वो एकजुट होने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस समय युद्ध की जो स्थिति है वो हम देख रहे हैं और जाहिर है रशिया इसका केंद्र है तो फिर रशिया से बातचीत भी होगी और अमूमन हमने देखा
कि अमेरिका के प्रेशर के बावजूद भारत झुका नहीं, और वो प्रेशर था रशिया को लेकर के, वो प्रेशर था कि रशिया के साथ हमारे व्यापारिक संबंध तोड़े जाए या फिर कम किए जाए। लेकिन विदेश मंत्रालय की तरफ से, डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से दो टूक जवाब पीछे दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि रशिया के साथ व्यापारिक संबंध हमारे खत्म नहीं होंगे या फिर कम भी नहीं होंगे। हाँ, युद्ध की परिस्थिति में भारत मीडिएटर के तौर पर काम जरूर कर सकता है, और यही वजह है, यानी भारत का स्टैंड, प्रधानमंत्री मोदी का स्टैंड भारत की तस्वीर को बदल रहा है, भारत की मजबूती को बढ़ा रहा है, और ये रशिया के कजान में भी आज आपको देखने को मिलने वाला है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी संभव है पीएम मोदी की, ये भी कहा जा रहा है। हमने देखा कि कल एलएसी पर तनाव को कम करने की कोशिश दोनों ही तरफ से हुई है। अब जाहिर है ब्रिक्स में पहुंचने से पहले दोनों देशों के बीच कुछ बातचीत भी हुई होगी, क्योंकि एलएसी पर अब टेंशन कम हो, कोशिश यही है भारत की तरफ से भी और शायद संभवतः चाइना की तरफ से भी। अब जिनपिंग से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो सकती है, ये संभावना है, लेकिन कॉन्फर्मेशन अभी इसको लेकर नहीं है। लेकिन दोपहर 3:30 बजे पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात जरूर होने वाली है। भारत, रशिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चीन, सऊदी अरब, इजिप्ट, ईरान, इथोपिया, यूएई सदस्य हैं। कौन कौन सदस्य हैं ये भी आपको हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।